दुनिया में कई नायाब चीजें हैं जो समय के साथ दुर्लभ होती जा रही हैं। अफ्रीकन ब्लैकवुड भी इन्हीं में शामिल है। आमतौर पर भारत में उगाई जा रही चंदन की लकड़ी को सबसे महंगा बताते हैं, लेकिन अफ्रीकन ब्लैकवुड तो लाल चंदन से भी कहीं महंगा है। आप चाहे 1 किलो अफ्रीकन ब्लैकवुड खरीदने के बजाय 7 से 10 तोला सोना, कोई लग्जरी कार या फिर कोई इंटरनेशनल ट्रिप पर भी जा सकते हैं। भारत के चंदन को ही लोग सबसे महंगी लकड़ी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में 1 किलो सफेद या लाल चंदन कुछ हजारों में बिक जाता है, लेकिन अफ्रीकन ब्लैकवुड की 1 किलो लकड़ी का भाव 7 से 8 लाख रुपए यानी 8,000 पाउंड है। ब्लैकवुड का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में मलेरिया, बुखार और सिरदर्द सहित विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। अब अफ्रीकन ब्लैकवुड के पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, वहीं इस लकड़ी को उगने में 60 से 70 साल का समय भी लगता है, जिसकी वजह से इसके दाम आसमान छूते जा रहे हैं। ताज्जुब की बात ये भी है कि अफ्रीकन ब्लैकवुड की कीमतों का इसकी मांग पर कोई असर नहीं पड़ता। दुनिया भर में अफ्रीकन ब्लैकवुड के खरीदार मौजूद हैं। तभी तो अफ्रीकी देशों में उगने वाली इस लकड़ी की अवैध तस्करी भी खूब होती है। मध्य और दक्षिणी अफ्रीका के 26 देशों में उगने वाला ये काली लकड़ी का पेड़ 25 से 40 फीट ऊंचा होता है। दूसरे पेड़ों के मुकाबले अफ्रीकन ब्लैकवुड की संख्या कम होती जा रही है। कई तस्कर रातों रात इस पेड़ को काट कर ले जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी संख्या कम होती जा रही है। अफ्रीकन ब्लैकवुड दुर्लभ होने के कारण महंगी है। इससे कई लग्जरी फर्नीचर और कुछ खास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी शहनाई, बांसुरी और कई संगीत वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। एक समय पर अफ्रीकन ब्लैकवुड से माचिस भी बनाई जाती थी, लेकिन आज ये इतनी दुर्लभ हो गई है कि अमीर घरानों के फर्नीचर और वाद्य यंत्रों तक ही इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसकी हाई फाई कीमतों के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफ्रीकन ब्लैकवुड की भारी डिमांड है। दोस्तों, इसकी सुंदरता और उपयोगिता के बावजूद यह महत्वपूर्ण है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए ब्लैकवुड को संरक्षित करने के लिए कदम जरूर उठाएं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस तरह की अधिक आकर्षक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।